तो आज हम क्लास सिक्स का सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड बुक विविधता की समझ, फर्स्ट इकाई। और चैप्टर का नाम है विविधता की समझ और इकाई का नाम है विविधता, फर्स्ट इकाई का, ठीक है। और हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाए। क्या आपका चित्र अन्य तीन चित्र जैसे ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। तो ये चित्र बनाए हैं तो आपको तो दिख ही रहा होगा। आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह है और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग। लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वहाँ अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो यहाँ पे टॉपिक है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जवाब पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसको प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम अभी कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम यह? तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक
और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरह देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं ठहराई उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभव अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेली होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खान पान खाया हो, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियाँ, साहसिक घटनाएं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़े, प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों
से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकार को या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल या सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेलने से अपना मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। तो टॉपिक ख़त्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे, हम विविधता को कैसे समझें। करीब 225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग जाया करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने तरीके से ही चलते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी सांस्कृतिक और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। जो भी अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरीके की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि किस तरह का काम वे करेंगे, वे कभी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर पहला जो है वो लद्दाख के बारे में बताया गया। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्य कश्मीर में ही पश्मीना शाले बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं।
हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापारों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और तब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये पहला लद्दाख की स्टोरी खत्म। अब आया केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अरब से पहले व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वल्ला कहते हैं। तलने के लिए लौंग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो ये केरल की स्टोरी खत्म। अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपने ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन को उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक, विविधता में एकता। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर
राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक हैं। तो यहाँ पर एक गीत है, ठीक है, किसके द्वारा है ये? भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा। इस बार में यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्ते लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।